नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्निशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 जो बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हो, यानी कि जो लास्ट सेशन जो बीत गया उसको लेकर जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के जितने भी छात्र थे काफ़ी टाइम से परेशान थे, क्योंकि बहुत लोगों की स्कॉलरशिप नहीं है और उनके लिए कोई भी अपडेट जारी नहीं हो रही थी, जिनका भी ट्रांजेक्शन फेल हुआ, बहुत लोगों का वेरीफाइड है लेकिन पैसा नहीं है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आ गया हूँ। मैं जो है कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा, नोटिस जो है कि आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया समाज कल्याण के द्वारा। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है भाई कि जितने भी जो छात्र रह गए हैं, जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, जिनका पेमेंट अभी तक नहीं आया, जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, तो उनके लिए देखो फाइनली उन्होंने जो है कि गुड न्यूज़ जारी कर दी है। अभी तक उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी लास्ट जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने जो है कि इस बात को अप्रूव कर दिया है। उसमें आप लोगों को जो है कि डिसाइड कर दिया गया है कि पैसा दिया जाएगा। तो पूरी खबर क्या होने वाली, पूरे नोटिस आपको दिखाऊंगा किस किस छात्रों के लिए अब ये जारी हुई है, कौन से वो छात्र हैं जिनको पैसा मिलेगा। तो सारी वीडियो का पूरा ध्यान से समझ लेना, आपको सारी चीज़ें जो है कि क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो अगर आपको ऐसी अपडेट्स पानी है, सही अपडेट्स पानी है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में क्या जो है कि नोटिस जारी किया गया है। देखो कल जो है कि कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, परसों मीटिंग हुई थी, और उसमें जो है कि डिसीजन लिया गया, उसमें यही प्रस्ताव रखा गया था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, टोटल काफ़ी ज़्यादा जो है कि छात्र 38,000 के करीब में जिनका जो है कि पैसा ट्रांजेक्शन फेल हो गया या फिर वेरीफाइड है लेकिन नहीं आया, ये सारे कारणों से पैसा नहीं आया, तो उनके लिए जो है कि हम चाहते हैं कि इस सेशन में उनको पैसा दिया जाए। यानी कि नया सेशन चल रहा है, जो अभी नियम है वो मैं आपको बता दूं, जो करंट नियम है, जो अभी इस समय नियम है, वो ये कहता है कि जो पिछला सेशन होता है, जैसे सेशन आप सभी को मालूम है 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, तो 23-24 का सेशन कब ख़त्म हो गया है, 23-24 का सेशन हो गया 31 मार्च को ख़त्म। तो अभी जो नियम वो ये कहता है अगर 31 मार्च के पहले पहले जिसका भुगतान होना है हो जाए, मतलब सेशन के जो है जिस सेशन का भुगतान होना है वो उसी सेशन में हो सकता है, उसके आगे वाले में नहीं हो सकता। यानी कि 23-24 का जो भुगतान होना था उसको 31 मार्च तक कर लेना था, इसके बाद लोग नहीं कर सकते थे, ये नियम अभी है। लेकिन इसी नियम को जो है कि करते हुए इन्होंने एक स्पेशल अनुमति जो है कि इस कैबिनेट में पास कराने की बात करी थी कि ऐसे ऐसे छात्र बच गए हैं तो हम चाहते हैं कि उनको इस सेशन में पैसा दे दिया जाए। तो इस पर फिलहाल जो है कि सारे जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उन्होंने फैसला ले लिया है कि जो बच गए हैं उनको आप पैसा दे दीजिए। नियम जो है कि बाद में लोग मॉडिफाई भी हो सकता है करेंगे, तो ये देखिए आप लोगों के लिए है। अभी मैं नोटिस भी दिखाऊंगा आपको, ये दिखा दे रहा हूँ, ये यूपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं उनका इंस्टाग्राम पेज और वहाँ पर आपको ये पोस्ट जो है कि देखने को मिल जाएगी। देखो डेट भी देख सकते हो, कैबिनेट निर्णय लिया गया किस तारीख को लिया गया, 25 जून 2024 को लिया गया। तो लिखा क्या देखो कि मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सामान्यांतर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य अंश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक है, यानी कि किसके लिए, जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी, क्योंकि SC ST के लिए भुगतान ऑलरेडी हो रहा है और पहले भी किया गया है, तो उनका तो अलग केस है, SC ST का उनको तो ऑलरेडी भुगतान किया जा रहा है। तो जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोलने एवं बजट व्यवस्था किए जाने संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मतलब जो है कि प्रपोजल था कि आप लोगों के लिए जो है कि दोबारा पोर्टल खोला जाए, पैसा भेजा जाए, जिनका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, जिनका पैसा नहीं आया, किस वर्गों के, जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए, तो उनके लिए जो है कि इसको प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो जो आप लोगों के लिए प्रस्ताव रखा गया था जो है कि परिषद में, उसको जो है कि पास कर दिया गया, यानी कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। काफी टाइम से जो लोग वेट कर रहे थे उन सभी के लिए जो है कि ये बहुत ही अच्छी खबर हो गई है। अब बात करते हैं आपको, मैं इसको जो है कि और भी दिखाता हूं, चाहे कि डिटेल में आपको चीजें समझ में, इस पर नोटिस भी जारी कर दी गई विधिवत। जो असीम अरुण जी हैं जो मंत्री हैं समाज कल्याण के, इनका इसमें आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। इन्होंने ये सारा एफर्ट किया, इन्होंने ये सारा इनिशिएट किया है, मुझे लग नहीं रहा था पर्सनली कि अब ये लोग करेंगे, बोला था इन्होंने इलेक्शन के बाद, इन्होंने करके दिखाया है, इलेक्शन के बाद इन्होंने करके दिखा दिया। देखो क्या लिखा हुआ है, 38,000 छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, योगी जी को बहुत धन्यवाद, आज कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। ये सब जो आप देख रहे हो ऑफिशियल जो है कि यूपी गवर्नमेंट के पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये इनके असीम अरुण का जो पेज है उस पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक अकाउंट ट्रांसफर में त्रुटि होने, यानी वही देखो ट्रांजेक्शन जो आप लोग का ट्रांजेक्शन फेल हुआ उनके लिए देखो बोल रहे हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 23-24 में बैंक अकाउंट ट्रांसफर में त्रुटि होने, परीक्षा परिणाम देर से आने अथवा अन्य कारणों से वंचित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। अन्य कारण में बाकी सारे मतलब जो है कि इसी के अंदर आते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन फेल हो गया, फॉर्म वेरीफाइड है, सत्यापित नहीं हुआ, उन सभी कारणों को इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अनुसूचित वर्ग के छात्रों को पूर्व में जैसे छात्रवृत्ति दी गई थी, अब पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को दी जा रही है। मतलब ये देखो बोल रहे हैं जैसे SC ST कैटेगरी के छात्रों को ऑलरेडी दी जा चुकी है,
उसी तरह से जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्रों को भी दी जाएगी, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। वही सेम न्यूज आप लोग अगर न्यूज आपके घर पे अगर अखबार आता हो उसमें भी आप पढ़ सकते हो, वही सेम चीज लिखी गई है। देखो 3 लाख छूटे छात्रों को शुल्क भरपाई का रास्ता माफ। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कई जगह 3 लाख न्यूज वाले लिख रहे हैं लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट लिख रही है वो 38,000 लिख रही है, तो ये आंकड़ा अभी कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्ट क्या है। पर जितने भी छात्र हैं जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, फॉर्म वेरीफाइड है, सत्यापित नहीं कारण, या फिर जितने भी छात्र हैं जिनका मतलब ये सारे कारणों से बच गए हैं जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के 2023-24 की यहाँ पर बात हो रही है, जो पिछला सेशन बीत गया है, तो उनका भुगतान जो है कि किया जाएगा फाइनली आप लोगों के लिए। बस यही जो है कि अपडेट निकल कर आ गई है, वही चीज़ यहाँ न्यूज़ में भी निकल कर आ गई है। अब किसकी मैं बात कर रहा था, एक बार मैं स्टेटस आपको दिखा दूँ। जैसे आपका स्टेटस इस तरह से है, देखो वेरीफाइड स्टेटस है कंप्लीट लेकिन पैसा नहीं आया है जैसे, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये स्टेटस सत्यापित नहीं किया गया। देखो यहाँ पर तो ये एक कारण था, तो ये सभी कारणों के मतलब अगर आपका भी ऐसा ही है तो आपको भी पैसा दिया जाएगा, या आपके बारे में ही बात की गई है इस नोटिस में, या फिर आपका ट्रांजेक्शन, देखो जैसे बहुत लोगों का ट्रांजेक्शन फेल हुआ है जिनका पैसा नहीं आया और काफ़ी टाइम लोग कमेंट में पूछते भी थे, तो आप ही लोगों के लिए ये नोटिस है। जो भी आपने नोटिस देखा, देखो जैसे जिनका भी इस तरह से दिखा रहा होगा, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे ये कारण ये हो गया, आधार नंबर डिसेडेड हो गया, या फिर ट्रांजेक्शन लिमिट करके लिख के आ गया, या फिर कुछ और भी इस तरह से समस्याएं यहाँ पर आपको दिखा गए, ट्रांजेक्शन जो है कि आपकी फेल हो गई हुई, तो ये आप लोगों के लिए ही है जो नोटिस आपने देखा। तो अब इसमें डेट अभी जारी नहीं की गई है किस डेट को क्या होगा, लेकिन नोटिस जो है कि ऑफिशियली जारी कर दिया गया। आपकी स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, ये नोटिस है। नोटिस में वही चीज देखो लिखा गया, देखो कि वर्ष 2023-24 में समयांतर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोलने एवं बजट व्यवस्था किए जाने के संबंध में, मतलब किस कारणों से, वही मतलब जिनका पैसा नहीं आया जनरल ओबीसी माइनॉरिटी उनके लिए। मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 23-24 में परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से अन्य पिछड़ा वर्ग के वंचित, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग से वंचित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोलने एवं बजट व्यवस्था किए जाने के संबंध के संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है, मतलब आप लोगों का जो है कि वो अप्रूव कर दिया गया है। इस पर अभी फाइनली एक और डेट शीट जारी होगी, डेट शीट नहीं जारी की गई है, मतलब इस पर एक टाइम टेबल जारी करेंगे। अभी इसमें सिर्फ आप लोगों को ये न्यूज़ दी जा रही है, इसमें डेट नहीं बताया गया कब इसमें क्या करेंगे, कब जो है कि पैसा दिया जाएगा ये नहीं बताया। देखो देखो ये सारा वही चीज़ लिखा हुआ है जिनका भी जो है कि ट्रांजेक्शन फेल हुआ है सभी के लिए। चूंकि नियमावली में देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेत न किए जाने का प्रावधान है, वही मैं जो आपको बता रहा था स्टार्टिंग वीडियो के, कि अभी जो नियम है ये कहता है कि आपका जो भुगतान है उसी वित्तीय वर्ष में वह हो सकता है, अगले में नहीं हो सकता है, वही चीज़ों को यहाँ लिख रहे हैं। अतः उपरोक्त कारणों से वंचित समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के उद्देश्य से स्पेशल केस मानते हुए एक बार पोर्टल खोलने तथा चालू वित्तीय वर्ष के बजट से व्यय की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, वही है आप लोगों को स्पेशल केस मानते हुए जो है कि इस वित्तीय वर्ष में जो है कि पैसा दिया जाएगा। अभी डेट नहीं जारी हुई लेकिन एक लोग ये भाई कि यही अपने आप में बड़ी एक अपडेट है आप लोगों के लिए कि जो है कि इसको अनुमति दे दी गई है, इसका मतलब आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी आप लोगों के लिए पूरी अपडेट, सुबह सुबह काफ़ी बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ गई है। तो वीडियो को अपने जो आपके दोस्त हैं जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के उन तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ गई है। सबकी उम्मीद खत्म हो गई थी लेकिन फिर गवर्नमेंट लेकर ट्विस्ट लेकर आ गई है। हाँ, आप लोगों का फॉर्म जरूर वेरीफाई होना चाहिए यहाँ पर। अगर देखो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, यहाँ पर रिजेक्ट लिख कर आ गया है, तो देखो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने भी यही लिखा कि पात्र छात्रों को, पात्र वही छात्र होते हैं जिनका फॉर्म समाज कल्याण के द्वारा वेरीफाइड है, तो आप लोगों का फॉर्म इस तरह से वेरीफाई जरूर होना चाहिए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर रिजेक्ट हो गया तो देखो आप लोगों के लिए उम्मीद खत्म हो गई है। तो ये थी आप लोगों के लिए पूरी अपडेट, ये सारे नोटिस अभी आपको इस वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप लोग इसको खुद भी पढ़ सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्निशियन।